तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली हमें HDFC बैंक की तरफ से लाइफ टाइम फ्री रुपए क्रेडिट कार्ड मिल गया है। आज इस वीडियो में इसके अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप अपने एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड का जो वेरिएंट है मास्टर कार्ड वीजा कार्ड से रुपए क्रेडिट कार्ड में करवा लेते हो और आपका वो क्रेडिट कार्ड पहले अगर लाइफ टाइम फ्री था तो क्या बाद में जब वो रुपए क्रेडिट कार्ड हो जाएगा तब भी वो लाइफ टाइम फ्री रहेगा कि नहीं रहेगा। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, वीडियो को जो है कंप्लीट जरूर देख लेना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपके पास कोई रुपए क्रेडिट कार्ड है, नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, इस क्रेडिट कार्ड की लुक कैसी है, रुपए क्रेडिट कार्ड ये रहने वाला है क्या, इसकी लिमिट चेंज हुई है, सब जो है अभी आप देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसका जो मेन एनवलप है इसको जो है ओपन कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है ओपन हो चुका है और इसके अंदर जो भी पेपर है अब उनको हम जो है बाहर निकालते हैं। इसको कर दिया है खाली, इसको रख देते हैं साइड में। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पेपर है। सबसे पहले आपको एक बड़ा सा पेपर दिखता है ये जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा पेपर है। कई बार तो ऐसा लगता है यार ये 12th के एग्जाम में जैसे गाइड्स होती थी वैसा पेपर, ये जो है कोई भी पढ़ता नहीं है। इसको जो है साइड में रख देते हैं। इसके बाद आपको एक जो पेपर मिलता है यहाँ पर कोड ऑफ बैंक्स लिखा हुआ है। इसके बाद आपको मिलता है कि आप किस तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड की पिन सेट कर सकते हो, ये डॉक्यूमेंट मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर एक पेपर ये मिलता है जहाँ पर आपका HDFC बैंक डिजिटल असिस्टेंट का एक पेपर दिया गया है। और इसके बाद मिलता है एक पेपर जहाँ पर क्रेडिट कार्ड के कुछ बेनिफिट बताए गए हैं कि कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड जो होते हैं उसके क्या क्या बेनिफिट है, कैसे काम करता है। और बैक साइड में भी आप देख सकते हैं कुछ बेनिफिट बताए गए हैं और स्टेप्स यहाँ पर नीचे बताए गए हैं कि कैसे इस क्रेडिट कार्ड को जो है यूज करते हैं। और दोस्तों साथ में मिलता है कि ये क्रेडिट कार्ड मेंबर एग्रीमेंट जो कि बैंक की तरफ से आपको दिया जाता है, इसको भी कोई रीड नहीं करता है। और दोस्तों सबसे लास्ट में मिलता है ये पेपर जिसके अंदर हमें मिलने वाला है हमारा HDFC बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड। दोस्तों क्रेडिट कार्ड को दिखाने से पहले मैं आप में से बहुत सारे दोस्तों के सवाल कई बार ये आते हैं कि जब हम क्रेडिट कार्ड का वेरिएंट चेंज करवाते हैं तो क्या हमारे क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इससे पहले मेरे पास जो है HDFC बैंक का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड था जो मास्टर कार्ड वेरियंट में था, उसको जो मैंने कन्वर्ट करवा लिया था रुपए क्रेडिट कार्ड में, वही क्रेडिट कार्ड मुझे आज मिला है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले जितनी लिमिट थी इस क्रेडिट कार्ड की 40,000 रुपए, आज की डेट में जो नया क्रेडिट कार्ड मुझे मिला है रुपए क्रेडिट कार्ड उसकी लिमिट भी 40,000 रुपए है। यहाँ पर आप जो स्क्रीन पे देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी आप अपने एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड का जो है वेरिएंट चेंज करवाते हो रुपए क्रेडिट कार्ड में तो वहां पर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है चेंज नहीं होती है। चेंज होता है सिर्फ आपके जो क्रेडिट कार्ड के डिजिट होते हैं 16 वो चेंज होते हैं, CVV नंबर चेंज होता है, एक्सपायरी डेट जो होती है वो चेंज होता है, इसके सिवाय कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो अब जो है हम बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड की लुक कैसी है, दिखने में कैसा है, वो अब आपके साथ जो है मैं शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नया क्रेडिट कार्ड जो कि रुपए क्रेडिट कार्ड है, इसकी ब्रांडिंग जो है कॉर्नर में आप देख सकते हैं जहाँ पहले आपको यहाँ पर मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। बैक साइड में इस क्रेडिट कार्ड के जो है डिजिट आपको देखने को मिलते हैं, एक्सपायरी डेट देखने को मिलती है, CVV नंबर देखने को मिलता है। और दोस्तों आप में से कई सारे लोग जो है बहुत बार एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोगों के पास एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है जिसका वेरियंट मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड है, उसको अगर आप जो है रुपए क्रेडिट कार्ड वेरियंट में कन्वर्ट करवा ले तो क्या आपका जो नया क्रेडिट कार्ड आएगा कन्वर्ट होने के बाद वो भी लाइफ टाइम फ्री रहेगा कि नहीं रहेगा। यहाँ पर मैं आप सभी के साथ दो पॉइंट जो है शेयर करना चाहूँगा। पहला पॉइंट तो ये है कि आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का वेरिएंट जो है कन्वर्ट करवाते हो उसके लिए आपको कोई भी फीस जो है पे नहीं करनी पड़ती है, कोई भी चार्जेस जो है पे नहीं करनी पड़ते हैं। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपका जो भी एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है उसके जो भी बेनिफिट फीचर आपको पहले मिलते थे कन्वर्ट होने के बाद रुपए क्रेडिट कार्ड पे भी वही बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, यानी लाइफ टाइम फ्री रहने वाला है। आई होप वीडियो में दी जानकारी आपके काम आए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसी बात पे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो है वेरियंट कन्वर्ट करवाना चाहते हो सिर्फ 2 मिनट के अंदर तो यहाँ पर आपको एक वीडियो मिलने वाली है, उस वीडियो को जरूर देख लेना।